वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस पे हमने इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स नंबर उठाया, और वेटेड इंडेक्स नंबर में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आपने समझा कि मेथड को देने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक्स रहे, जिसमें लेस पेयर, पाशेस एंड फिशेस मेथड को हमने पढ़ा। आपने पढ़ा कि जो लेस पेयर है ये आपका बेस ईयर क्वांटिटी पे फोकस करता है, और पाश्य जो है करंट ईयर क्वांटिटी फोकस करता है। फॉर्मूला कैसे था, कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूले का क्या साइंस है, वो सब कुछ लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। कुछ और इकोनॉमिक्स रह गए थे, अब उनके भी हम यहाँ पर आज की क्लास में कवर करेंगे, और हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को आज की क्लासेस पर वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आइए कुछ मेथड जो रह गए थे उस पर डिस्कशन आज करेंगे हम। लेस पेयर हो गया था बच्चे लास्ट क्लास में, पाश्य भी हो गया था आपका, एंड फिशर्स भी हो गया था आपका, जिसको आइडल मेथड भी कहते हैं। डोरबिश एंड बाउली प्राइस इंडेक्स। तो बच्चे डोरबिश एंड बाउली प्राइस इंडेक्स में बेसिकली क्या है, सिंपल है इसका मतलब कि आपको लेस पेयर का फॉर्मूला क्या लर्न है। हाँ जी लर्न है, बिल्कुल लर्न है लेस पेयर का। क्या पाश्य का आपको लर्न है, बस दो ही लर्न करो, लेस पेयर एंड पाश्य, ये भी लर्न है आपको। तो उन दोनों को प्लस कर लो और डिवाइडेड बाई 2 × 100। क्लियर है बच्चे, लेस पेयर प्लस पाश्य डिवाइडेड बाई 2 × 100, तो ये आपके पास में डोरबिश एंड बाउली प्राइस इंडेक्स होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे आप, अब यहां देखें मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। मार्शल में क्या होता है बेसिकली बच्चे, इसमें जो क्वांटिटी हम लेते हैं ना, समीशन P1, यहां क्वांटिटी क्यों लेते हैं। अब बोलोगे सर क्यू क्वांटिटी कौन सी है, ये क्यू क्वांटिटी कौन सी है, ये बेस ईयर क्वांटिटी है तो जीरो होता लिखा हुआ, करंट ईयर क्वांटिटी के लिए 1 लिखा हुआ होता, तो ये क्वांटिटी कौन सी है आपकी। तो बच्चे क्वांटिटी क्यू मींस होता है एवरेज ऑफ क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी करंट ईयर क्वांटिटी सम डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया बच्चे, अगर 0 और 1 नहीं लिखा तो मतलब क्या होता है, ये एवरेज लेना है आपको इसका। तो इसी तरीके से इसमें समीशन P1 एंड एवरेज क्वांटिटी, समीशन P0 एंड एवरेज क्वांटिटी। आप बोलोगे सर कैसे याद करें, अरे भैया लेस पेयर का क्या याद किया था आपने, लेस पेयर का तो समीशन P1 Q0, ये तो लेस पेयर में था। क्लियर है बच्चे, P1 सॉरी समीशन P1 एंड P0। क्लियर है, क्वांटिटी की बात करते हैं, लेस पेयर में तो था ही आपका, क्वांटिटी में सिर्फ क्यू क्यू ले रहा है ये। क्लियर है, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कैसे, कि इसने यहां पर क्यू नहीं लिख करके क्या लिख दिया, एवरेज ऑफ क्वांटिटी, क्यू को क्या लिख दिया इसने, P1 और एवरेज ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कर दिया इसने नीचे भी। तो यहां पर देखो तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देन आपके पास ये बचा × 100। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो P मल्टीप्लाई करेगा Q0 को तो P1 Q0, एंड फिर P1 मल्टीप्लाई करेगा Q1 को तो P1 × Q1 और प्लस रहेगा। तो फाइनली आपको ये लर्न करना है मार्शल्स में। ठीक है बच्चे, तो मार्शल में ये लर्न करना है। इसमें भी क्या है, लेस पेयर, ये क्या है बच्चे याद करो, लेस पेयर, और ये क्या है आपका पाश्य, बट यहाँ पे बीच में प्लस नहीं आएगा, पूरा टोटल आएगा, ये सबके नीचे आएगा। ठीक है, तो आपके पास में डोरबिश का तो सिंपल था, लेस पेयर प्लस पाश्य डिवाइडेड बाई 2 × 100। इसमें क्या है, लेस पेयर एल प्लस पी इंटू 100। ठीक है बच्चे, फिल्म आया आपको, तो आपको मार्शल्स का भी पता लग गया। अब वाल्शिस प्राइस इंडेक्स, बेसिकली वही आपको लेस पेयर का याद करो ना बच्चे, P1 P0। अब बस इसमें क्या हो गया, आपके पास में वाल्शिस में आपके पास में रूट, दोनों क्वांटिटी का मल्टीपल का रूट, दोनों क्वांटिटी के मल्टीपल का रूट, और इंटू 100 तो सब में रहता ही है। क्लियर है बच्चे, तो आपको तीनों के तीनों जो अभी मैंने नहीं बताए, उम्मीद करता उसका फॉर्मूला आपके माइंड में बस गया होगा, नहीं तो कोई नहीं, क्वेश्चन करते करते आपको आएगा, एकदम से नहीं आएगा। सिमिलर लास्ट कैलिस प्राइस इंडेक्स, ये क्यों, वही लेस पेयर वाला आ गया, लेस पेयर वाला सब में घूमेगा P1। बस वाल्शिस में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बोथ क्वांटिटी इंटू 100।
सिमिलर मार्शल्स में तो भैया सीधा आप ऐड करो लेस पेयर पूरा एक सिर्फ ये आप क्या करते हो लेस पेयर P1 Q0 P0 Q0 और आप क्या करते हो पास छः P1 Q1 P0 Q1 क्लियर है। अब प्लस निकल ये ऐसे करना है आपको समझ में आया बच्चा और इनटू 100 करना है किसमें मार्शल्स में डॉर्बिस में आपका अलग अलग प्लस होगा और डिवाइडेड बाय 2 × 100 होगा। डॉर्बिस का पता लग गया मार्शल का पता लग गया आपको दोनों में प्लस है और वालश में पता लग गया आपको क्वांटिटी का मल्टीपल है सेम रहेगा और क्लिस में भी सेम रहेगा और यहाँ पर एवरेज ऑफ क्वांटिटी है कैलिस में। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं लाइक आपने लेस पेयर कर लिया था पाशे कर लिया मार्शल और एडवर्स मेथड करना है और एक आपके पास में फिशर्स आइडियल मेथड करना है। यहाँ पे मार्शल कर लो भैया लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको मैं क्या लेस पेयर मेथड डन हो चुका है पाशे मेथड डन हो चुका है फिशर्स मेथड डन हो चुका है। आज की क्लास में मैं बात कर लेता हूँ एडवर्स मेथड की ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चीज़ चलेंगी। तो मार्शल का फॉर्मूला क्या है आपके पास में पहले लेस पेयर P1 Q0 P0 Q0 ठीक है। उसके बाद आपका पास है P1 Q1 P0 Q1 पास याद होना चाहिए आपको दो याद कर लो अभी मेनली दो और इसमें करंट ईयर की क्वांटिटी पे ये फोकस करते हैं ये करंट ईयर की क्वांटिटी पे आपका फोकस करते हैं बाकी 10P का साथ सेम सीन है। अब बस यहाँ पे एक काम करना है आपको दिस वन लाइन को आप ऐसे कर दो और इनटू 100 ठीक है बच्चे। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए और फिर आप आगे बढ़िए। हमें चार चीज़ें चाहिए इसके लिए एक दो ये देखो क्लियर है एक दो तीन चार ज्यादा ही हो गया बच्चे खैरिए चलो कोई बात नहीं जितना हो गया हो गया। देखो क्या चाहिए हमें P1 Q0 P1 Q0 आओ कैलकुलेटर हाथ में रख लेते हैं। P1 आपके पास पे क्या है कॉमेट बेस ईयर इसको P0 है और Q0 P1 एंड Q1 तो क्या चाहिए पहले आपको P1 एंड Q0 मीन्स पहले की क्वांटिटी को आज की प्राइस पे मेजर कर रहे हैं तो आज कितना एक्सपेंस हो जाएगा कितना कॉस्ट आएगा तो Q0 एंड P1 दिस बीच वाले दो तो 320 600 750 एंड 400 एंड समीशन ऑफ P1 एंड Q0 320 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 400 2070 ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायरमेंट P1 एंड Q1 तो ये लास्ट के दो आपके क्लियर है 240 300 750 500 समीशन P1 Q1 अब देखो
240 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 500 1790। क्लियर है बच्चे? अब पी जीरो क्यू जीरो कैलकुलेट करना है आपने। पी जीरो एंड क्यू जीरो, तो फर्स्ट टू 160, 500 600 और यहां पर आपका 400 है। तो समीशन पी जीरो एंड क्यू जीरो इक्वल्स टू 160 प्लस 500 प्लस 600, 1000 कर दो डायरेक्ट, 1660। ठीक है, एंड लास्ट क्या चाहिए आपको? पी जीरो एंड क्यू वन, पी जीरो एंड क्यू वन, पी जीरो एंड क्यू वन, फर्स्ट एंड लास्ट। तो 120, 250, 600, 500। ठीक है बच्चे, तो क्या है समीशन पी जीरो क्यू वन, 120 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 500, 1470। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब आपने फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है आपको। तो प्राइस इंडेक्स नंबर पी वन एंड क्यू जीरो का सम कितना है बच्चे? 2070। और पी वन और क्यू वन का सम कितना है? 1790 अपॉन पी जीरो एंड क्यू जीरो, आपका 1660 और आपका 0 क्यू वन 1470। ठीक है, पी जीरो वन इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 2070 प्लस 1790 3860। उसके बाद सॉल्व करेंगे 1 × 100 भी है बच्चे, 1660 प्लस 1470 × 100 3860 3130 3860 और 3130 सॉल्व करेंगे 1.233 × 100 हंड्रेड 123.32। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? तो 123.32 ये आंसर है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं।